अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामपुरा कृष्णगढ़ बाजार में। यहां पर इतना रश है, आवाम जोश व खरोश और जज्बे के साथ 12 रबी उल को मना रही है और यहां पर हर बंदे के चेहरे पे कोई किसी को महंगाई याद नहीं है, किसी को कोरोना वायरस याद नहीं है। मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त माहौल है, हर बंदा इंजॉय कर रहा है, लोग लंगर पर लंगर तकसीम कर रहे हैं, ये भाई भी इंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खाया, क्या इंजॉय किया? सब कुछ खाया इंशाल्लाह ताला। सुन, उस नबी की आमद का दिन है तो हम खुशियां मना रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो जी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और भी मेरे साथ काफ़ी लोग हैं और ये देखें सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, सबने मेरे साथ करना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये देखें अवाम का जो करो, अब आप चलें वीडियो की तरफ और वीडियो इंजॉय करें। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कितना जोश व खरोश है अवाम में और हर तरफ रश ही रश है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, आज का दिन ही ऐसा है। और हमारे साथ इलाके के जो काउंसलर हैं बाबू रफीक साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा अंकल जी, आप देख रहे हैं कितना रश है, इंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह, सुबह से मामला चल रहे हैं हमारे पहले मस्जिद का भी जुलूस माशाल्लाह, हम इधर से संत नगर से ओटपट रोड से निकाल के इस्लामपुरा से गुजार के फिर अपने इलाके में दोबारा वापस लेकर आए। जी हम बाज़ार में इस तरह निकले थे, रौनक हमने देखी है। तो हमारे साथ इस इलाके की मशहूर तरीन डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपका, ठीक है आप? अल्लाह का फजल जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, ये आप इतना रश देख रही हैं हर जगह, वहाँ इतना इंजॉय कर रही है, आपने कितना इंजॉय किया? देखिए सबसे बड़ी ये बात है, ये आज जग शहीदी का दिन है, वो हस्ती जो दुनिया का बादशाह था आज उसकी यौम विलादत है, हम सबको उस खुशी में शामिल होना चाहिए और अल्लाह करे कि हमेशा जिस तरीके से उनका साया हम सब पे मौजूद है हमेशा रहे और पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे उस साए के नीचे। जी आपने देखा कि बाज़ार में कितना जोश व खरोश था, अब हम एक घर के बाहर आए हैं तो यहाँ पे एक अलग ही निज़ाम इन्होंने किया हुआ है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या बांट रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल? बस ठीक है अल्लाह। ये आप क्या बांट रहे हैं? हम लोग अपना नान कबाब और पेप्सी कोक साथ में, कोक साथ में, पेप्सी के कोक। अच्छा ये मैंने देखा बड़ी यूनिक चीज़ है कि मैंने किसी को पूरे इस एरिया में इलाके में नहीं देखा कि ये नान कबाब और इस तरह अंगीठियाँ लगा के, तो कैसा ख्याल आया, किसका आइडिया था? मेरा दिल है कि जो मैं खुद खाता हूँ ना वो दूसरे के लिए पसंद करता हूँ, तो इंसान जो ये थोड़ी कि हम लोग मिलाद कराएं तो दाल पका लें, दावत हो तो चरवे मुर्गे बना लें, जो हम खुद खाएंगे वो आप खुद। देख रहा था काफ़ी रश लगा हुआ था, तबरुक वगैरह लोग काफ़ी यहाँ पे बांट रहे थे, तो आपने क्या क्या बांटा? आज माशाल्लाह जी नई चीज़ एक आई है पहली दफ़ा, वो अपना ना खजूर का भी हमने इस दफ़ा किया। हाँ कुछ दोस्त पहले अंडे का कहते थे, अंडे का भी मामला चल रहा है माशाल्लाह। इस वक्त देखें लोग हर चीज़ को भूले हुए हैं, ना कोई महंगाई को देख रहा है, ना कोई किसी चीज़ को देख रहा है, हर बंदे के चेहरे पे खुशी खुशी है, रौनक ही रौनक है। वजह ये है कि जिसने हमें कलमा हक सिखाया और जिसने हमें उस रास्ते पे डाला जो कि सीधा रास्ता है, उस हस्ती की वलादत हो तो उसके लिए खुशी हो सकती है और कोई बात नहीं हो सकती। और अल्लाह ताला दे तो साथ में दिल भी दे कि भी हजूर के की आज पैदाइश का दिन है, उस हवाले से सब हम सबको चाहिए। अभी तक आपने कितने कबाब जो हैं लोगों में बांट दिए, तकसीम कर दिए नान, कोई हिसाब होगा आपका बजट वगैरह हिसाब से? तकरीबन कोई 1500 के करीब हमने ये 7.5 मन गोश्त था। अच्छा तो ये जो गाय बराती ज़िबा करवा के आपने ऐसे किया? नहीं, नहीं, ये चिकन कबाब है। चिकन कबाब बड़ा ज़बरदस्त है और ये हर साल ही कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा बांटा था। पिज़्ज़ा बांटा था, वाह, उस टाइम आप पिज़्ज़ा खाते होंगे शौक से? नहीं बस हर साल मैंने चेंज करता हूँ, दोपहर को ज़रदा बिरयानी थी, दाल रोटी थी, फिर शाम में मैंने पिज़्ज़ा बांटा था और चूँकि मौसम चेंज हो गया उसके बाद में रात को मैं सबक छः बांट। अच्छा आप अपना नाम ज़रा बता दें, क्या नाम है ज़रा? मेरा नाम अपना शानवाज अकरम है, मैं मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, मैं कुरारे पाक छापता हूँ और उर्दू बाजार में मेरी दुकान है, मैं पब्लिकेशन भी करता हूँ। ज़बरदस्त, देखें माशाल्लाह इनका काम भी बहुत अच्छा है और देखें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कि आज लोगों को लंगरे आम खिला रहे हैं, इन्होंने अपने घर के बाहर ही देखें निज़ाम रखा हुआ है और ये बहुत कम होता है ऐसे। अगर आप देखें बाज़ार में चले जाएँ लोग कठूरे बांट रहे हैं, दुकानदार लगे हुए, लेकिन इन्होंने ये इनका घर है, ये रिहाइश आपकी जी? मेरी जाती है, इनकी रिहाइश है और रिहाइश के बाहर ही इन्होंने ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। अगर हमारा कैमरा मैन दिखा सके, देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे तिक्के छिक्के बन रहे हैं।
ऐसे ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए हम आ रहे हैं तो थोड़ा बंदा शॉपर रख लेता है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना गए आपके लिए जनाब हाजिर, जितना गए लंगर नहीं चला, क्योंकि ये हमारा कमाल नहीं किसी का भाई का, हमारी मेहनत है लेकिन सरकार का मामला ये। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने ट्राली वगैरह भी कोई निकाली है अपने इलाके की इस एरिए की? हाँ ये हमारे ना, ये जो आपको बता रहे हैं कि सुबह को जो हमारे मस्जिद का जुलूस होता है ना, उसमें माशाल्लाह हमारा वो पैदल चलते हैं और गाड़ियों में चलते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के जाते हैं माशाल्लाह। वो हमारा एक अहम कमाल है अल्लाह की करम नवाजी से कि वो हमें अल्लाह ने हिम्मत दी है तो वो हम चलाते हैं, पता चलता है किसी को के जुलूस जा रहा है। चले मैं लंगर की उम्मीद रखूँ फिर कोई के लंगर शंगर अगर? हाँ जितना के लंगर नहीं ख़त्म होता इंशाल्लाह। चले ठीक है, मैं फिर आगे फेरे लगा के आ रहा हूँ, तो मैं वापसी पे आपके पास नाज़रीन हम लंगर खाएंगे इनसे, छोड़ेंगे हम इनको तो आज भी नहीं। जी हमारे साथ बहुत बड़ा नाम ज़ुबैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं जो इस टाइम दिलों की धड़कन है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये आप देख रहे हैं कितनी रौनक लगी हुई है हर जगह पे, लोग इंजॉय कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे, मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ये बताएं। मैं तो अल्लाह पाक की रहमतों का इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह पाक के आज के दिन की मुनासबत से, रहमतुल्लिल आलमीन, अल्लाह के महबूब के जन्मदिन का दिन है और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हम मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे, अहले इस्लाम पे वो बरकतें, वो नेमतें, वो आसानियाँ नाजिल करें और तरक्की दे पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को और इस्लाम के दुश्मनों को नस्तो नाबूद करें। जी नाज़रीन ये देखें पठूरों का एहतमाम भी इन्होंने किया हुआ है और भट्ट साहब हैं, इनका इलाके में बड़ा नाम है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है शुक्र है। सर क्या बांट रहे हैं? यार ये पठूरे लगाए हुए हैं, हमारे साथ लगाते हैं माशाल्लाह। कोरोना की वजह से जो हालात हैं उसके बावजूद भी इतने सतर्क रही है इमाम में कि पठूरे बांट सकें? कोरोना अपनी जगह है, पठूरे अपनी जगह है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है आज, ठीक है उसी खुशी में हमारे साथ लगाते हैं माशाल्लाह। देख रहा हूँ पिछले एक घंटे से दो घंटे से लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हुई हैं, तो मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ज़रा चले ज़रा देखा तो भट्ट साहब आप निकल आए। और कितने अभी तक पटूरे मतलब आप बांट चुके हैं? माशाल्लाह से हम तकरीबन 1500-2000 बांट दिए हैं और हर साल इसी तरह ही होता है हमारा माशाल्लाह। पटूरे स्पेशल पटूरे होते हैं, हलीम होती है। इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें डालते हैं? इसमें पटूरों में दाल वगैरह होती है, ठीक है, और स्पेशल ये बनवाते हैं हम, हमारे स्पेशल बंदे आते हैं कारीगर। अच्छा स्पेशल होते हैं तो। अच्छा मैं माइक और कैमरा लाया हूँ तो हमें भी भटूरे मिल जाएंगे कि नहीं, कि हमें भी लाइन में लग जाएंगे? मेरा भाई आपको सबसे पहले मिलेंगे, हम आपको भी देंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आप अपना काम करें, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। सामने